जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। मंडला जिले में जिला कांग्रेस पार्टी ने फिर किया भ्रष्टाचार उजागर। जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, मामला खाद्यान्न से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की गठित समिति ने जाँच के बाद इस बात का खुलासा किया कि जो चावल सोसाइटी के माध्यम से वितरित किया जा रहा है वह जानवरों के भी खाने लायक नहीं है, तो फिर यह अनाज यहां पर क्यों बांटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इसमें जिले में संबंधित विभाग द्वारा अधिकारियों ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिसकी जांच हो और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा जिला कांग्रेस पार्टी को बृहद आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। देखिए, विषय बहुत गंभीर है। जैसा कि बीच बीच में खबरें भी आती थी कि गरीबों को मिलने वाला जो अनाज राशन, उसमें बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मिली भगत से जो है गरीबों का जो अनाज उनको मिलता है उस पर भी लोगों ने सेंधमारी की है। ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिस पर कि जाँच बैठाई गई थी। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्रीय जांच समिति ने जांच के दौरान ये पाया कि जो राशन गरीबों को दिया जाना है उसकी स्थिति इतनी बदतर है, इतनी घटिया क्वालिटी है कि वो जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ये चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन अब इस पर विचार करे कि उसकी स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। आज आप देखेंगे तो पाएंगे कि पूरे ज़िले में, हमारे नहीं बल्कि बालाघाट जिले का भी उसमें नाम आया है कि बहुत बड़ी मात्रा में इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारा आरोप ये है सीधे सीधे कि जब किसानों से धान खरीदी होती है तो वो तो एक नंबर खरीदी होती है, थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो उसको वापस लौटाया जाता है। जब उच्च क्वालिटी की धान खरीदी जाती है तो चावल घटिया गोदामों तक कैसे पहुँच जाता है, उसके लिए जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं, जाँच एजेंसी होती है, उनके इंस्पेक्टर होते हैं जो गोदामों में जाने के पहले उसकी क्वालिटी की जांच करते हैं और सैंपलिंग होती है, तो इन सब के बाद भी आखिर गोदामों पे इतना घटिया चावल कैसे पहुंच गया, ये बड़ा जांच का विषय है। इस पर निश्चित रूप से अब हमें ऐसा लगता है कि लीपापोती होगी और लोगों को बचाने का काम होगा, इसीलिए हम इस पर ज्ञापन दे रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से खाद्य आपूर्ति निगम और मिलर्स जो हैं उनके बीच की मिलीभगत है और करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है और घटिया चावल जो है लोगों की जान से खिलवाड़ करके और गरीब लोगों का हक मारा है इन्होंने। इस पर त्वरित रूप से जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए और तत्काल एक्शन लेते हुए ऐसे लोगों पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही दूसरा जो हमारा इस पर आज विषय है कि मंडी समिति ने एक आदेश जारी किया है कि यदि राशन दुकानों का चावल किसी भी व्यापारी के द्वारा खरीदा जाता है तो तत्काल उन पर FIR की जाएगी। आदेश ठीक है, लेकिन इस पर हमारी ये मांग है कि ये बात की जांच कौन करेगा कि ये चावल राशन का है। एक व्यक्ति अगर राशन लेकर के आता है, चावल लेकर के आता है और मंडी दुकानदार को बेचता है तो उस पर यह कहीं नहीं लिखा होता कि ये राशन का चावल है। हमारी ये मांग है कि इससे व्यापारी परेशान हो रहे हैं, अनावश्यक उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, उन पर मामला बनेंगे और जब तक के लिए ये निश्चित ना हो जाए कि कोई मापदंड तय कर दिया जाए कि उसकी सैंपलिंग कैसे हो, कैसे ये पता चले कि ये राशन का चावल है, ये राशन का अनाज है, जब तक के लिए ऐसे आदेश को स्थगित किया जाना चाहिए और उसके लिए एक गाइडलाइन बनाना चाहिए जिससे व्यापारी जो है स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार कर सकें, उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन बातों को लेकर जो है आज जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा। ये एक बहुत बड़ा एक मामला आया है। कृषि भवन दिल्ली से प्रिंसिपल सेक्रेटरी खाद्य और नागरिक आपूर्ति के नाम से एक पत्र आया है जिसमें पिछले दिनों कोविड के जो पेशेंट को जो खाद्यान्न सप्लाई हुआ था उस संबंध में जब ये पता चला कि घटिया क्वालिटी की जो चावल की सप्लाई हुआ है तो केंद्र की एक टीम आई थी जो कि मंडला और बालाघाट में 32 सैंपल लिए थे, जिसमें से मंडला से लगा हुआ कटंगी से 10 सैंपल लिए थे। तो इसी प्रकार से जो सैंपल लिए, 32 सैंपल लिए, वो खाने योग्य नहीं है, सीधे तौर पर उस पत्र में लिखा है। और वो किस स्टैंडर्ड के हैं उसमें
जो मवेशियों के खाने के लायक है वो भी उस ग्रेडिंग में दी है, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि ये किस स्टैंडर्ड का आप लोगों ने चावल सप्लाई किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सीधे तौर पे उसका जवाब देना पड़ेगा। अब चूंकि वो हमारे यहाँ पर आया, हमारे ज़िले से संबंधित है, पहले से हम इन मामलों को, इन स्टैंडर्ड के मामलों को हम संज्ञान में लेते आए हैं। कई बार हमने ज्ञापन दिया, संबंधित विभाग को कहा, लेकिन किसी भी प्रकार के उनके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हमें बहुत नाराजगी इस बात से। अब चूंकि सीधे तौर पे केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार पे सीधे तौर पे ये कहा है, उनसे जवाब मांगा है, जवाब हम भी चाहते हैं, और जवाब नहीं, हमें तो सीधे कार्यवाही चाहिए, क्योंकि हम तो लगातार अपनी बात कहते आए हैं, लेकिन अब इनको कार्यवाही करना पड़ेगा। उसके बाद में जाँच के रूप में सभी मिलिंग से संबंधित जितने भी ये जो अपने वेयर हाउस हैं, मिल्स हैं, और जो खाद्य जो अपने सोसाइटी है, यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग लेके उनकी जांच किया जाए और उनके अगेंस्ट सीधे तौर पे कार्रवाई का प्रावधान रखा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूँ कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए।